हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज है नवंबर 7 और डिस्कस करेंगे 7 नवंबर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC बैंक अपॉइंटेड डैश एज इट्स न्यू CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ऑप्शन 7 अरुण कोहली, AK गुप्ता, रमेश लक्ष्मण नारायण। None of these. Answer of this question is option C, रमेश लक्ष्मण नारायण। दोस्तों, HDFC बैंक ने अपॉइंट किया है अपना CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किसको नियुक्त किया है? रमेश लक्ष्मी नारायण जी को। What is the name of India's first and only radio channel for fishermen? Options are Kadal Udasi FM 90.4, Audio Addiction 91.9, Audio Media Village 90.8, Anantpuri FM 101.90. So answer है इसका option A, Kadal Udasi FM 90.4। दोस्तों, हमारे मशवरे यानी फिशरमैन जो इंडिया के हैं उनके लिए स्पेशल एक पहला देश का रेडियो चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है कडाल उड़ेसी FM 90.4। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। विच स्कीम हैज फॉर्म्ड अ 14 मेंबर एडवाइजरी कमिटी टू इनिशिएट रिफॉर्म इन द अर्बन प्लेक एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शंस आर ECI, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने एक 14 मेंबर की एक एडवाइजरी टीम बनाई है ताकि अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से रिफॉर्म किया जा सके। और जो 14 मेंबर्स की टीम बनाई गई है नीति आयोग की तरफ से, उसको हेड कर रहे हैं वहाँ के नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार। रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज वॉन द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020। ऑप्शंस आर सुमेता डेविड, रीना हेल्स, जगजिनी वर्गे, दिशा अग्रवाल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जियाजिनी वर्जे। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर जियाजिनी वर्जे जो कि इंडियन से ओरिजिन है यानी भारतीय मूल की एक डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, जिनको आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है 2020 का। द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज अपॉइंटेड एज द ऑनरी जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी। ऑप्शंस आर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। None of the above. So answer of this question is Nepal. दोस्तों, भारतीय सेना की चीफ यानी जनरल MM नरवणे, उनको नेपाल के सेना के आर्मी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको एक ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल दिया गया है इन द आर्मी ऑफ नेपाल, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। विच कंपनी लॉन्च्ड रुपे फेस्टिवल कार्निवल? ऑप्शंस आर गूगल, पेटीएम, NPCI, वीजा। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, NPCI। हु बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ ONGC विदेश? ONGC विदेश के नए MD और CEO कौन बने? ऑप्शंस आर अरुण कोहली, AK गुप्ता, सुधांशु त्रिवेदी। नन ऑफ दिस। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, AK गुप्ता। दोस्तों, ये हैं AK गुप्ता जो कि डायरेक्टर हैं ONGC विदेश के, लेकिन अब वो डायरेक्टर हैं मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाए गए हैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के। क्विज चैनल साइन एमओयू टू लॉन्च एजुकेशनल टीवी चैनल्स। ऑप्शंस आर जी, सोनी, प्रसार भारती, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रसार भारती। दोस्तों, इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, उसने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो 11, माफ कीजिए, 51 डायरेक्ट टू होम डीटीएच एजुकेशनल टीवी चैनल्स को स्टार्ट कर सके। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज रिसेंटली अक्वायर्ड मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा। ऑप्शंस आर फ्लिपकार्ट, एमेजोन, मिंत्रा, नन ऑफ दिस। तो आंसर इफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने एक मोबाइल स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है मेक मोचा, जो कि गेमिंग कंपनी है, उसको अधिग्रहण कर लिया है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज बीइंग ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। ऑप्शंस आर 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, नन ऑफ द अबव। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।